छक्का मारा, टीम को दिलाई जीत। फिर भी क्यों निराश होकर बैठ गए थे केएल राहुल। केएल राहुल का शतक नहीं होने से टीम इंडिया को हो गया भारी नुकसान। केएल राहुल का अगर हो जाता शतक तो क्या फाइनल की राह होती आसान। टीम इंडिया ने खोया बहुत बड़ा मौका, सोशल मीडिया में भड़के फैंस। भारत ने जीत के साथ वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत की है। रोहित शर्मा की टीम ने अपने पहले मैच में 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पारी सिर्फ 199 रनों पर सिमट गई। भारत ने एक समय 2 रन पर 3 विकेट खो दिए थे, लेकिन विराट कोहली और केएल राहुल ने अर्धशतक बनाकर टीम को जीत दिला दी। टीम इंडिया को इस मैच में 6 विकेट से जीत मिली। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबले में शतक नहीं बना पाए। 5वें नंबर खेलने उतरे राहुल 97 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत को जब अंत में जीत के लिए 5 रन चाहिए थे तो राहुल को शतक के लिए 9 रनों की जरूरत थी। उनकी प्लानिंग पहले चौका और फिर छक्का मारने की थी, लेकिन टाइमिंग ज्यादा बेहतर होने की वजह से चौके की कोशिश में उन्होंने छक्का मार दिया। यहां भारत को जीत मिल गई, लेकिन राहुल शतक नहीं बना पाए और जमीन पर बैठकर अफसोस करते दिखे। एक तरफ जहां केएल राहुल शतक से चूके तो वहीं इंडिया को भी नुकसान हुआ। जी हां, टीम इंडिया को भी केएल राहुल के शतक न बनाने से नुकसान हुआ है। आपको ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। दरअसल ये नुकसान नेट रन रेट का है। ऑस्ट्रेलिया पर जीत के बाद भारतीय टीम का नेट रन रेट 0.883 है, लेकिन अगर केएल राहुल का शॉट चौके के लिए जाता और फिर अगली गेंद पर वो छक्का लगा दे तो भारत का रन रेट और बेहतर हो जाता। इस स्थिति में भारत का नेट रन रेट 0.960 हो जाता। केएल राहुल इस बात को समझ रहे थे, इसीलिए वो निराश थे। विनिंग शॉट खेलने के बाद कोई भी खिलाड़ी खुशी से झूम उठता, लेकिन राहुल ने जब छक्का मारा तो निराश होकर बैठ गए। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि कैसे उन्होंने छक्का मार दिया। राहुल जब बल्लेबाजी करने उतरे थे तो टीम इंडिया मुश्किल स्थिति में थी। 2 रन पर 3 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। यहां से उन्होंने विराट कोहली के साथ 4थे विकेट के लिए 165 रन जोड़े। कोहली के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर उन्होंने टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 के सामने दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान से भिड़ेगी। बुधवार को ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। राहुल पर एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। बल्लेबाजी के साथ ही विकेट कीपिंग में भी राहुल शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इंडियन फैंस के लिए एक अफसोसजनक बात और सामने आई है, जिससे कि उनका दिल टूट गया है। टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल डेंगू से पीड़ित हैं। उनके प्लेटलेट काउंट अचानक कम हो गए थे, इसी वजह से उन्हें एहतियातन चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि एक दिन डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और वो दोबारा होटल में लौट आए और आराम कर रहे हैं। एक सूत्र ने बताया कि गिल का प्लेटलेट काउंट 1 लाख से नीचे चला गया और उन्हें एक दिन पहले यानी कि 8 अक्टूबर को निगरानी के उद्देश्य से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। एक दिन अस्पताल में रहने के बाद वो 9 अक्टूबर को होटल लौट चुके हैं और वहां उनका इलाज जारी है। हालांकि गिल अफगानिस्तान के खिलाफ 11 अक्टूबर को खेले जाने वाले दूसरे मैच में नहीं खेलेंगे और इस बात की संभावना भी बेहद ही कम है कि वो 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले तीसरे मैच में भी उतरे। इस खबर को सुनकर फैंस का दिल टूट चुका है। अगर आप शुभमन गिल के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।